अब 2 दिन बीच में है तो इस उपलक्ष्य में जो थोड़ा बहुत चर्चा चल रहा था सुबह शाम, ऐसे तो सारे भक्त लोग यहाँ के बिजी रहते हैं सुनने के लिए, उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन तो हम चर्चा कर रहे थे काल से, काल एक दिन और है कि रामायण जैसे महत्वपूर्ण इतिहास काव्य है, उसमें भगवान राम के चरित्र को सप्तकांड में वर्णन किया गया, तो उसमें से हम एक छोटी सी प्रसंग पर चर्चा कर रहे थे जो हमेशा हम मंदिर में राम दरबार में जिनको नहीं दिखते हैं, राम लक्ष्मण सीता और हनुमान यही होते हैं, लेकिन भरत और शत्रुघ्न नहीं रहते हैं, लेकिन वो भी उन्हीं के साथ उनका प्राकट्य हुआ था और उनके सगे भाई है, उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर रहे थे। तो किस प्रकार भरत जी ने भगवान राम को राजा बनने का दिन वन गमन किए और उनके विरह में महाराज दशरथ अप्रकट हुए, बहुत कुछ अपना भरत जी आए, जो भरत जी को सभी ने जब रिक्वेस्ट कर रहे थे राजा बनने के लिए, राजा ना बन करके सभी को साथ लेकर के बन जा रहे हैं और भ्राता श्री राम को मना करके वापस लाएंगे, बोलते हैं वही राज्य के अधिकारी वही राजा है। मन में इस विचार को लेकर के राम दर्शन की लालसा से बहुत दुखी पीड़ित स्थिति से भरत जी चतुरंगिणी सेना, गुरु राजमाताएं ब्राह्मण और उस बहुत बड़ी समाज के साथ राम जी को मनाने के लिए बन जा रहे हैं। इसकी चर्चा करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं कि भरत जी अयोध्यापुरी से चल करके गंगा पार किए, भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहे, वहां से जमुना जी के तट पर गए, जमुना पार कर चुके हैं, जमुना पार करके अब चित्रकूट के रास्ते पर चल चुके हैं, चल करके बहुत सुंदर वन की शोभा को दर्शन करते हुए, क्योंकि ये 2-4 आदमी तो नहीं थे, लाखों की तैनात में लोग चल रहे थे, लाखों मतलब मैं तो बताया था गिनती में, वाल्मीकि जी कहते 9,000 हाथी थे, 60,000 रथ था, 1,00,000 घोड़सवार थे और कई लाख पदातिक थे, ये तो केवल सेना थे, और जो राज परिवार के ब्राह्मण परिवार के गुरुजनों के उनका तो फिर अयोध्या पूर्ववासियों के उनके बात ही अलग है, तो कितनी बड़ी संख्या के अंदाज चलता होगा। तृतीया युग में आजकल जैसे हाईटेक का एडवांसमेंट नहीं था, मंत्र युग था, जंत्र युग नहीं था, आजकल जंत्र से चलता है, तभी यंत्र नहीं था तो मंत्र से चल रहा था, और सूक्ष्म हम जो सॉफ्टवेयर कहते हैं ना वो तो भी ग्रस है, कोई छोटा मोटा चिप्स भी कुछ है लेकिन मंत्र में वो भी नहीं, केवल शब्द मात्र, ये शक्ति से जो युग चल रहा था, इस शक्ति पर आधार से चल रहे थे। काल में आपको बताया था कि भरद्वाज ऋषि के आश्रम में ये लाखों लाखों संख्या में जो भरत जी के साथ में जो संख्या गए थे, इतने परिमाण में हाथी घोड़े रथ रथी सभी को जिस प्रकार में वेलकमिंग किया गया, जिस प्रकार उनके अकोमोडेशन प्रसाद की व्यवस्था किया गया, अब क्या बताएं, वो
वो तो किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता। उन लोग ने महसूस किए कि तभी जमाने में चक्रवर्ती नरेश दशरथ महाराज का और राज्य में भी ऐसा व्यवस्था सुव्यवस्था नहीं था, ये दोनों नदी के बीच में टापू में कुछ नहीं था, इतने सुंदर सुंदर भोग्य पदार्थ उपलब्ध करा दिया गया। और कैसे? मंत्र शक्ति। ऐसे नहीं कि फोन में और क्या क्या आजकल आप होता है ऑर्डर देकर सामान मंगाने वाला होता ना, कई होता आप लोग जानते हैं, है ना? नहीं अमेजन फोन में ऑर्डर देकर होम डिलीवरी हो जाता है, लेकिन एक कोई आता है देने के लिए, वो भी बेचारे जो उनके पास शक्ति वही लेकर आता है, और कई बार तो वापस ही जाना पड़ता है क्योंकि चीज़ पसंद की नहीं होता। लेकिन यहाँ कुछ अद्भुत वर्ण था, उनके अनुमान से और परे की वस्तु प्राप्त था, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी यंत्र शक्ति बहुत नीच शक्ति है, उसके ऊपर तंत्र शक्ति होता है, उसके ऊपर मंत्र शक्ति होता है, वो शक्ति का प्रभाव था। तो उन लोग ने जंगल में चल रहे थे, ना तो कोई गेस्ट हाउस का था व्यवस्था रहने का, रास्ता भी नहीं था जंगल में, लेकिन फिर भी चल रहे थे इतने बड़े सैनिक ग्रुप लेकर के हाथी घोड़े। वन की शोभा दर्शन करते हुए विराट सेना समाज को लेते हुए जंगल में प्रवेश किए हैं। जंगल में जिस गति से अच्छे रोड में चल रहे थे, जंगल में इतने रोड चलेगा नहीं, आप लोग तो गाड़ी चलाते जानते होंगे, दिल्ली के रोड में चला लेते हैं लेकिन फिर भी बहुत ट्रैफिक लाइट होता है, अगर फ्लाई ओवर में चलते तो इससे कम ट्रैफिक है ना, लाल बत्ती कम होता है वहाँ, लेकिन अगर जंगल में जाना पड़े जहाँ रोड नहीं है, गाड़ी नहीं जाएगा, स्पीड की बात क्या है, गाड़ी के बिना चल ही नहीं सकते। तो जिस गति से जा रहे थे गति बहुत कम हो गया, बहुत धीर मंथर गति से जंगल में चलना पड़ा। दिन भर में अगर 10-20 किलोमीटर आगे बढ़ गए तो बहुत है, रास्ता ही नहीं, कहाँ जाएंगे, दिशा ही नहीं। वो तो कोल भील किरात, उनके लीडर थे निषाद राज गुहक, उनका पार्टी लेकर गए थे, वो ढूंढ ढांड करके लेकर चलते थे, और जो वन में जाते थे वहाँ के जो लोकल आदिवासी लोग होते थे वो दौड़कर आते देखते थे, इतने ठाट बात, इतने हाथी घोड़े, वो तो कभी देखे नहीं थे बेचारे। और उनमें जो उनके अधिपति कुमार भरत जा रहे थे उनको देख करके, कि पहले से राम के दर्शन कर चुके थे, उन लोगों ने जंगल में रहते कौन, कोल भील किरात रहते हैं और तापस मुनि रहते हैं, ऋषि मुनि रहते हैं और पशु पक्षी रहते हैं। तो जो ऋषि मुनि इन जंगल में एकांत भजन करने वाले, कभी कभी वो आते थे मिलने के लिए, और जो जंगली आदिवासी लोग वो मिलने के लिए आते थे। तो जिस रास्ता पर एकाध महीने पहले श्री राम गए थे, इस रास्ता पर राम के भाई भरत जा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े समाज के साथ, तो उनको भगवान राम को दर्शन करके सभी लोग मुख्य के अधिकारी बन गए थे, एंट्रेंस उनका एग्जाम हो चुका था, क्वालिफाइड हो चुके थे मतलब पास कर लिए थे भगवान को दर्शन करके, लेकिन आज भरत को दर्शन करके एंट्री कर गए, पोस्टिंग हो गया उनका, है ना, नहीं अपॉइंटमेंट हो गया। और उन लोग को भरत जी बहुत नम्रता से प्रणाम करके, एक एक जन को प्रणाम करके उनको पूछते थे रास्ता किधर है, और पहले भी हमारे बेस्तरी से वो लोग बताते थे, हम बोले हाँ हमारे भाई है, कहाँ है, किधर है, रास्ता किधर है, उनको पूछते थे। और वो लोग को जो पता चलता था
कि ये सुम्य वपु, ये उन जिनके दर्शन करके हमारा हृदय बदल चुका है उनके ही है, तो लोग साथ चल पड़ते, चलिए हम लेकर चलते हैं, आपको कहाँ रास्ता पता है, पता ही नहीं। तो उन लोग के सहायता से जंगल में चलते थे। आजकल तो जंगल का नाम केवल है, जंगल कोई रहा ही नहीं, कोई वन जंगल रहा ही नहीं। कहीं अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रहा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर कोई जगह, केवल नाम ही जगह रहता है, घास फूस रहता है, और फॉरेस्ट रहता है तो केवल बबूल का पेड़ रहता है जिसमें कांटा होता है ना, फल का तो, फल कंद का तो स्वप्न ही नहीं है, है कि नहीं। जैसे हमारा दिल्ली शहर है, भारत का सबसे बड़ा शहर, कितने सारे ब्रिज है, पानी नहीं है, खाली ब्रिज है, नो वाटर, ओनली ब्रिज, ओवर ब्रिज, ओवर ब्रिज नो। तो कितने पेड़ है, फल नहीं होता, बिना फल के पेड़ सारे, वो क्या क्या पेड़ लगाते हैं रोड साइड में, भले एक फल के पेड़ लगा दिए होते, नहीं, चुन चुन करके जो फलहीन वृक्षों को लगाते तो लेकिन तभी जो बनानी था वास्तविक वन का शोभा, वन के स्वरूप, और उस फल मूल कंद वन्य जातीय वनस्पति द्रव्य भरपूर था, क्योंकि लाखों साल के पहले की बात है, त्रेता युग की बात है, अवस्थिति ऐसा नहीं, लेकिन उस जमाने में जंगल में हाथी घोड़े सिंह चीता बाघ और मुनि ऋषि, मैंने तभी का जंगल तो जो हम शास्त्र में वर्णन सुनते ऐसा हूबहू था, इस प्रकार के वन था, अद्भुत दर्शन। तो इस वन में अपने जा रहे थे, जाते हुए क्योंकि सभी का उत्साह दिन दोगुना बढ़ रहा था, क्योंकि जब अयोध्या से निकले थे प्रोजेक्ट सबका यही था कि राम को मिलेंगे, राम सभी के प्राणनाथ थे, सबके हृदय में विराजमान थे, सभी उनको, अब राम तो सभी के युग, त्रेता युग के मनुष्य, फिर अयोध्या की कितने सम्मान, कितने भाव, कितने प्रेम होगा राम के प्रति, जो राम को देखे हैं, सुने हैं, उनके संग किए हैं, उनका तो फिर क्या कहा जा सकता। उन लोग ने चल रहे थे और जितने नज़दीक जा रहे थे उतना उत्कंठा उमंग इतना बढ़ते जा रहा था। अब जंगल में चलते चलते दिन बिताते, कभी किस प्रकार मिला तो खाए, नहीं खाए, जैसे जिस प्रकार व्यवस्था थे, लेकिन उत्कंठा वर्धित होता था, राम दर्शन लालसा बढ़ते जा रहा था। जा करके अंततः उस पर्वत के ऊपर को देखे जो अति शोभामान था, श्री निषाद राज ने भी दिखाए, और जो वर्णन भरद्वाज मुनि ने किए थे कि राम के लिए यही व्यवस्था में भेजा हूँ, इस आश्रम में, इसी पहाड़ में, इसी वन में रहने के लिए, इस वन का वर्णन सबने देखे जो भरद्वाज मुनि ने बताए थे, वो था चित्रकूट पर्वत। आप लोग सब चित्रकूट का नाम तो सुने हैं, कई लोग गए भी होंगे। कूट शब्द का अर्थ है मुकुट, शिखर, अगम्य। तो चित्रकूट, चित्र मतलब बहुत वैरायटी का कलर, चित्र विचित्र कहते हैं ना, जैसे रंगोली करते हैं कई कलरफुल, तो वो इतने घने अरण्य के बीच में कई जंगल के पूरे सकड़ों सकड़ों माइल जंगल एरिया था, उसके बीच में कई पर्वत थे, एक पहाड़ नहीं, पर्वतावली, छोटे बड़े कई पहाड़ थे। उस पहाड़ के बीच में एक ऐसे पहाड़ था जिनके कई शिखर थे, अलग अलग रंग के शिखर थे, सोने चांदी मणि मुक्ता और अलग अलग प्रकार थे। आजकल तो सोने की खान कोई मिलने सब जा नहीं सकते, मिलेगा कहाँ, सपने में देखेंगे नहीं, लोहे कोयले के खान नहीं मिलता, काला सोने का बात ही छोड़ो।
लेकिन तभी वर्णन, इसीलिए उनका नाम चित्र था, चित्रकूट। इतने वेराइटी ऑफ कलरफुल हिल था, जो माउंटेन था, फुल ऑफ कलर्स। और ये कलर सचमुच अलग अलग धातु के वर्ण थे, अलग अलग धातु के कलर थे, और उसी के शिखर बना हुआ था। और कितने वैरायटी का पुष्प वाले और फल वाले वृक्ष थे, विशाल विशाल। तो इसलिए इतने शोभा था, इतने शोभायमान था, जिनको देख करके सृष्टिकर्ता भी मोहित हो जाते थे। सृष्टिकर्ता के जो मालिक भगवान स्वयं, वो बोलते थे कितना अच्छा है, वही मालिक है, उन्हीं की इच्छा से बनी है सब वैरायटी। उन्होंने ब्लू प्रिंट दिए, बोले अब बना, ठेकेदार बनाया। ब्रह्मा जी तो ठेकेदार है और क्या है, लेकिन वो प्लान तो वहीं सैंक्शन हुआ था, वही मोहित हो जाते हैं। वाह वाह, वेल डन, वेरी गुड। उनको भी मोहित करने वाले इस चित्र विचित्र रंगीन, इतने सुंदर स्वभावान पर्वत था चित्रकूट। और उनमें से पर्वत श्रेष्ठ कामदगिरी, सबके कामना को पूर्ण करने वाली सी कामदगिरी, वो पर्वत श्रेणियों में श्रेष्ठ थे। चित्रकूट के पर्वतमालाओं के बीच में श्रेष्ठ थे। उनमें एक श्रेष्ठ जगह में, यहाँ के ऋषि मुनि सब उनको चुन करके ले गए थे, ये सबसे बेस्ट प्लेस है, इतनी सुंदर जगह है कि वहाँ से बैठ करके, जिसे अब आजकल दिल्ली में फ्लैट सब खरीदते हैं, कौन कितने हाइट में लेता है, हम सब देखेंगे बैठ करके, हवा भी चलेगा, देखेंगे। तो क्या करें, शास्त्र के हिसाब से घर तो होना चाहिए ऐसे जगह में जहाँ जमीन भी हो, आसमान भी हो, जन्मे कुछ कुछ तुलसी, कुछ कुछ फूल फूल उगाए, बाहर निकले तो आसमान भी देखे। लेकिन आजकल तो गृहस्थी कम ऐसा है कि ऐसे घर में रहते हैं, सब फ्लाटस्थ है, फ्लाट, ना जमीन है ना आसमान है, टंगे हुए हैं। 8th फ्लोर 12th फ्लोर, ना ऊपर है ना नीचे, क्या करें बेचारे, चिड़िया के घोंसले की तरह लटके हुए। ऐसा नहीं था। तो ऐसे सुंदरतम वन प्रदेश में उस ऋषि मुनि और कोलभिल्ले श्री राम को ले गए थे, ऐसा एक जगह पर पर्वत के शिखर, कूट अवस्था में, कूट मतलब अगम्य और उच्च स्थिति ले गए थे, जहाँ पे कोसों कोसों दूर तक वन की सुंदरता दिखाई पड़ता था, नद नदी दिखाई पड़ता था, और सारे बीच में ऐसा था कि इस प्रकार प्रोटेक्टेड था पहाड़, शिला, पर्वत, वृक्ष के द्वारा कि कोई बड़े बारहा, हाथी, सिंह, वो हटात यहाँ जा नहीं सकते थे, वो भी नहीं पहुँच सकते थे। इस प्रकार नेचुरली प्रोटेक्टेड प्लेस, नेचुरली प्रोटेक्टेड, जैसे बड़े बड़े राजा अपने, अब जयपुर गए होंगे, जयपुर एक ऐसे राजा का राजधानी है, चारों तरफ हिल माउंटेन, देखा आपने, नेचुरल को बनाया नहीं, पर्वत ही चारों तरफ, इस तरफ देते एक पहाड़ पार करने, उस तरफ देते पहाड़ पार, उस तरफ पहाड़ पार, कितना बाउंड्री वाल बना, बाउंड्री वाल ऑलरेडी भगवान बना रखे, और बीच में सिटी जयपुर है, इसलिए जयजुक्त रहता था क्योंकि प्रकृति ने उसको इससे विशाल बाउंड्री बना के रखा था, बाउंड्री वाल। तो इस प्रकार नेचर ने कुछ कुछ इसे बना के रखता, तो ऐसे सिलेक्टेड प्लेस में राम को लेकर के वहाँ पर्ण कुटीर बनाया गया था, वहाँ रखे थे। तो उस पर्वत को देखे ये समाज ने, शिवभरत, निषाद राज और सारे समाज पर्वत को देखे, देख करके उसको शोभा को देख करके, और जो वर्णन भरद्वाज मुनि ने किए थे उनके साथ मिला करके समझ लिए यही ही है, और उनको देख करके इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, मानो कवि लोग कहते हैं कि कोई महादरिद्र आदमी को पारसमणि मिल जाए। पारसमणि जानते ना, पत्थर किसी को सोना बना दे,
अब कितने सोना बना लो, उनको मिल जाए को दरिद्र को, कितने खुश होगा। इतने ही खुश हुए। इस प्रकार खुश होकर के जय घोष किए, जान के जीवन श्री राघवेंद्र सरकार रामचंद्र की जय हो। सीतापति श्री रामचंद्र की जय हो। ऐसे नाना प्रकार से जिनको जैसा लगा भगवान की जय घोष किए। कोई श्री राम, कोई सीताराम, कोई सीताराम लक्ष्मण, तीनों के नाम लेकर के जय घोष किए। और प्रसन्नता के साथ उस पर्वत की जो देख करके प्रसन्न होते, प्रणाम किए, सब पर्वत को देख करके प्रणाम किए। उनको लगा कि राम दर्शन तो हुआ। अब पर्वत को देख करके, रहने के स्थान को देख करके इतने प्रसन्न हुए, जय जयनाद किए, प्रणाम किए और चले। अब चलते चलते, लेकिन जंगल के रास्ता अब कहाँ है, इस वो जो पर्वत था इसे आसान से उनको ढूंढ करके कहाँ वो पर्णकुट में, तो धीरे धीरे अगम्य रास्ता पर पहुँचे। तो भरत जी ने अपने बड़े बड़े योद्धे सैन्य को बोले कि आप लोग इस दिशा पर जाओ, ढूंढो कहाँ मेरे भाई राम मिल जाएं, आप इधर जाओ। सब और को सैन्य भेजे कि जाकर पता लगाओ कहाँ जाने से मिलेंगे, हम कहाँ जाएंगे, कुछ है नहीं। तो चारों दिशा में सैन्य भेज करके जा रहे थे, तो एक दिशा पे कुछ सैन्य सामंत चढ़ करके देखे, कुछ दूर में धुआं उठ रहा था। धुआं किसे उठता है जंगल में, पशु पक्षियों के तो किसी ने होता ही नहीं, हो तो बेचारे बल सब्जी भी नहीं खाते है कि नहीं, वो तो डायरेक्ट फ्रेश खाते हैं। हम लोग कहते हैं कि हम तो सादा खाते हैं, अरे तू सादा क्या खाता है, वो तो बिना किचन में खाते है कि नहीं, तो यहाँ आग कैसे दिखाई पड़ता है। तो जो सामंत लोग ने उतर करके बोले भरत जी को, निश्चित रूप से आपके भ्राता श्री श्री रघुनाथ निश्चित रूप से इस स्थान पर होंगे कि वहाँ धुआं उठता है, जब धुआं होता है तो आग होगा और आग होता है तो मनुष्य होगा, क्योंकि आग मनुष्य की करतुत है, बाकी कोई आग यूज नहीं करते। माचिस खरीदते हैं क्या पशु पक्षी, नो नो नो, माचिस के लाइटर उनको जरूरत नहीं है ना, ये हम लोग को जरूरत है हर दिन हर समय। बोले ये काम तो मनुष्य की है, बाकी किसका नहीं है। तो निश्चित रूप से वही होंगे। तो जहाँ पर तो इस दिशा पर कैसे जाएं चले, कुछ विशेष करके श्री कुमार भरत शत्रुघ्न और निषाद राज, ये तीनों और कुछ सोल्जर को साथ में लेकर के गुरु वशिष्ठ भी चल पड़े थे, लेकिन वो भी इतना दूर तक पहुंच नहीं पाए, धीरे धीरे अगम रास्ते गए और उसके ओर चल पड़े। दिखता है जंगल में चल कर जाना इतना आसान था नहीं, मैं बोलता था पगडंडी रास्ता है, रास्ता ही नहीं, कभी इसे चढ़ो कोई फिर नीचे जाओ, कोई पहाड़ आ गया, कोई पत्थर आ गया, फिर घूम करके फिर जाओ। आप बद्रीनाथ बद्रीनाथ गए होंगे, रास्ता ज़्यादा नहीं है, इसी पहाड़ को जाओ फिर उतरो, फिर ऐसे जाओ फिर जाओ फिर उतरो, ऐसे ही रास्ता लाँगे, और नहीं तो सीधा सीधा हम कुछ नहीं। तो इस प्रकार से इधर भगवान राम और सीताराम लक्ष्मण वो पर्णकुटीर में वहीं रहते थे। तो उनको जंगल में, क्योंकि हठात इतनी बड़ी संख्या में हाथी घोड़े रथ रथी सैनिक आ गए, पूरे जंगल में बहुत बड़ा फैल गया आवाज़, जितने से पशु पक्षी भाग दौड़ किए चिल्लाए आवाज़ है कि नहीं। उनको डर लगे, बोले ये कहाँ से आ गया हमारे, भाग दौड़ चला। तो इसी को देख करके उनको लगा कि जंगल में कोई आया, इशार को प्रवेश कर रहा है, क्या बड़े विचार करने लगे, कौन आ सकता है, क्या कर सकता है। तो उस दिन रात को श्री सीता देवी को एक स्वप्न हुआ, दूसरे दिन सुबह सुबह उठ करके सीता जी ने राम जी को बताया कि ऐसे ऐसे मैंने स्वप्न देखा कि
भरत जी आ रहे हैं, बहुत बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं, किसने आ रहा मुझे पता नहीं, ऐसे आ रहे हैं इसे। और उनको सुन करके रामचंद्र जी बोले कि ये तो शुभ लक्षण नहीं है, सब उनसे जो आप बरदा रही है। लक्ष्मण के साथ चर्चा किए, बोले मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों आ रहा है, क्या है सपने सुबह सुबह से क्यों बताया। और ऐसे बातचीत करते हुए सपनों के बारे में, बड़े बड़े हाथी दौड़ कर भाग जा रहे थे, हिरण मृग इधर भाग रहे थे, चिढ़ाड़ करके इधर सब चला रहे थे, तो बोले निश्चित रूप से कोई बहुत बड़े समुदाय जंगल में आया है, इसीलिए वो लोग बेचारे सब विचलित होकर इधर उधर भाग रहे हैं। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण पता लगाओ क्या है कारण, कोई विपत्ति है कि क्या है। तो लक्ष्मण जी ने थोड़ी दूर जा करके, बहुत ऊंचा एक साल वृक्ष था, विशाल साल वृक्ष, उसमें चढ़ गए। चढ़ करके ऊपर तक जा करके सारी दिशाएं को निगाह किए, तो एक दिशा से देखे कि विशाल सैन्य समूह आ रहा है। वो तो क्षत्रिय पुत्र, उनको समझ लेंगे, वो रथ के ध्वजा, हाथी, घोड़े, चतुरंगिणी सेना को समझ गए। बोले तो सेना आ रहा है, बोले सेना आ रहा है ना, हाँ बहुत भारी, असंख्य लोग आ रहे, किसका सेना होगा। वो पताका को देख करके अंदाज ले, बोले भरत ही आया, बोले ये ध्वजा और किसी का नहीं है, यहाँ तक कि बोले मुझे दिखाई पड़ रहा है जिस श्रेष्ठ विशाल का गज के ऊपर हमारे पिताश्री चढ़ करके जाते थे, उस गज का भी नाम सृंजय करके इसी का नाम था, बोले वो हाथी भी आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ, ये विशाल पर्वत का हाथी भी है, लेकिन गड़बड़ है, इस हाथी के ऊपर पिताजी चलते हैं तो सफ़ेद छत्र होता था, श्वेत छत्र होता था, लेकिन श्वेत छत्र नहीं। उसको देख कर मुझे आश्चर्य हो, लेकिन हाथी तो हो ही है, ऐसे बड़ा हाथी तो और किसी का नहीं हो सकता, पिताश्री के हाथी लगता है, और ऐसे रथ है और जो ध्वजाएं हैं उससे पता चलता है कि ये ध्वजा और ये पवन से और स्पीड में चलने वाले घोड़ा, ये सब भरत, ये सब अयोध्या की है, ये गाड़ी नंबर नंबर प्लेट सब चलता है वहाँ का है, वहीं के है। तो पता लगा करके बोले भरत आ रहा है सचमुच। तब लक्ष्मण ने अपने मन में सोचने लगे, भरत अगर आ रहा है इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों आ रहा है, इतने हाथी घोड़ी रथ ये सब लेकर क्यों आ रहा है, इतने सैन्य सामंत लेकर, एक तो हम लोग जो आए भरत तो थे नहीं, अब यही डिसीजन हुआ था, उनके माँ ने यही वर मांगा था कि भरत को राज्य दिया जाए, और उसको बोला जब आ जाएगा वो राजा बनेगा, और राम इसके लिए राम जी छोड़कर आ गए। अब भरत जी उनके मामा से आए, मामा के घर से घर जा करके राजा बने, पिताजी के पास न जा कर यहाँ कैसे आए। तो लक्ष्मण जी का मन में आया ये विचार, क्योंकि इतने भारी सेना और ये पशु पक्षियों का भाग दौड़ को देख करके श्री राम ने थोड़ा चिंताग्रस्त हो चुके थे कि हम आकर सेब पे जंगल में इतने सुंदर, एक्चुअली ये भाग दौड़ होने से पहले भगवान राम ने एक दिन बैठ करके, सीताराम बैठ करके जंगल के एक शिला के ऊपर सीता जी को शोभा दिखा रहे थे, चित्रकूट की अरण्य की शोभा दिखा रहे, देखो कितनी सुंदर है ये नदी, कैसा है पयस्विनी मंदाकिनी और इतने पेड़ पौधे, क्या कमी है उसमें, महल में रहकर क्या फ़ायदा है, कितने सुंदर ताजे फल मिलता है, प्योर हनी मिलता है और सब चीज़ बिल्कुल ओरिजिनल मिलता है ना, नहीं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, और इतने सुंदर अब रहते हैं सात्विक। राम बोलते हैं कि सीते, तीन बार हम इतने पवित्र जल से स्नान करते हैं, म्युनिसिपैलिटी डुप्लीकेट वाटर नहीं, इतने सुंदर पवित्र जल, इतने प्योर पॉल्यूशन फ्री एयर,
और इसे ऑर्गेनिक फूड, ये सब के बारे में वर्णन करके सुंदरता कितने फूल कैसा हम करते हैं जीते हैं। हाँ थोड़ा ड्रेस फेस ये सब नहीं है, लेकिन कितने, मुझे तो लगता है कि मुझे अगर जीवन पर्यंत रहे मैं सुखपूर्वक यहाँ रह सकता हूँ, राम बता रहे हैं। और उसको जंगल की शोभा, जंगल के प्लस पॉइंट वर्णन करके बताते हैं कितने सुंदर है, हमारे पति कितने सपोर्टिव है लोग, तो उसमें पूरे वर्णन करते मुझे जीवन पर्यंत मैं सुखपूर्वक यहाँ रह सकता हूँ, इतने सात्विक जीवन, इतने सादा, उसको छोड़कर कहाँ जाए। और ऋषि मुनि आते हैं, चबूतरे पर बैठते हैं, कितने पुराण और वेद आदि पढ़ करके सुनाते हैं हम लोग को, हम सुनते सब कुछ, चैंटिंग हियरिंग सब कुछ हो रहा है इधर, बिल्कुल फिर कितना सुंदरता सब बता रहे थे। और दूसरे दिन ये भागदौड़ जंगल में, तो उनको चिंता के विषय हुआ, भगवान को चिंता के विषय नहीं, बोले ये पशु पक्षी बेचारे विचलित हो रहे हैं, बहुत दुखी हैं, इधर उधर भाग रहे तितर बितर हो करके, तो जरूर कोई बड़ा विपत्ति आया, तब तो डर के उन्हें भाग रहे हैं, इसलिए चिंताग्रस्त थे। और लक्ष्मण को बाकी दुनिया में कोई चीज़ का डर नहीं, वो तो एक उनके ध्येय है श्री राम की सेवा करें, ऐसे समर्पित से जब देख लिए कि भगवान राम की आंख में उनके हृदय में चिंता की दिखाई पड़ रहा है रेखाएं, तो उनको असह्य हो गया, बोले प्रभु चिंताग्रस्त है, वाई कौन उनके मन में क्यों चिंता ला कर दे रहा, इसीलिए गुस्से में आ करके डिसीजन ली, जब देख पहचान लिए बोले ये भरती आया और मेरे प्रभु चिंता कर रहे हैं, तो वहीं से पेड़ में रह कर के चिल्ला बोले प्रभु आप चिंता मत कीजिए, आप भाभी जी को बोलिए सीता जी को वो चले जाए गुफा के अंदर, कोई दिक्कत ना, अंदर जाके बैठे और आप जो तरकस वहाँ टांग कर रखिए उस ला करके बांध दीजिए, कवच पहन लीजिए, धनुष धारण कर लीजिए, बाकी कुछ करना नहीं, कल प्रोटेक्शन के लिए लेकर बैठे, जैसे बोलते ना सीट बेल्ट बांध दीजिए, ऐसे कुछ होने वाला नहीं, नहीं बांधेंगे तो तब भी कुछ नहीं है, लेकिन बांध लीजिए फिर इसके लिए, बाकी तो मैं करूँगा, मैं क्या करूँगा। और लक्ष्मण जी बोलने लगे, अध्याय बोलने लगे, ये कर डालूँगा ये कर डालूँगा, और गुस्सा बढ़ते जा रहा था उनको, क्यों इतने समाज लेकर के हम तो छोड़कर जंगल है पीछे पड़ा। और लक्ष्मण जी बता रहे हैं निश्चित रूप से उनका मन में यही इच्छा है, राजा तो बन ही गया, राजा तो बन गया होगा, जब आया डेढ़ महीना हो गया है राजा बन चुका होगा, लेकिन अभी उनका मन में लालच ये आया होगा कि 14 साल के बाद तो फिर राजा जाएगा, निष्कंटक राजा बनूं थोड़े दिन से क्या होगा, तो इसलिए उन दोनों को तो जंगल में गए कोई है ही नहीं साथ में, उन दोनों को ही मर्डर कर दूं, मार करके निष्कंटक राजा बनूं, कोई अपोजिशन नहीं है, अपोजिशन फ्री, इस प्रकार राजा बनने के लिए इसलिए समाज लेकर आया, नहीं तो सन्नी लेकर आने का कोई मतलब ही नहीं अगर मिलने का, तो ये विचार मन में ला करके, वो विचार मन में इसीलिए आया, कोई बोल के लक्ष्मण के मन में इसे क्रोध क्यों आया, क्रोध आने का कारण था कि भगवान की चिंता, भगवान की चिंता का कारण और कुछ था ये नहीं था, लेकिन वो उसको देख करके, उनको तो केवल देखे प्रभु का मन में चिंता आया, चिंता की रेखा उनके भ्रूमंडल में आया है, इसको देख करके लक्ष्मण बहुत गुस्से में आकर के इस प्रकार से वर्णन किए। और भरत जी के ये जैसे लक्ष्मण देख पहचान गए हाथी घोड़े ध्वजा से, और गुस्से में आकर के बोले भरत को मार डालूंगा, कैके की वंशनाश कर दूंगा, वो करूंगा वो करूंगा, सारे हाथियों को क्या क्या कर डालूंगा, वो बोलते गए, रोष उनका बढ़ते गया, इतने रोष आविष्ट हो गए, क्रोधाविष्ट हो गए, बिल्कुल आग उगला होने लगे, रोष देख रहे, और बहुत कुछ भले बुरे भरत जी के बोल रहे थे, बोले उसको तो हम समझ रहे थे भाई करके, लेकिन राज मत, बोले उनका क्या दोष है, बोले किसी को भी पोस्ट पोजीशन दे दो वही हो ही जाता है, ये पोस्ट पोजीशन का दोष है, अच्छे भले आदमी को दे दो, हाँ नहोस को सिलेक्ट करके स्वर्ग के बन ले गए थे राजा बनाने के लिए, इंद्रपद में महाराज नहोस को यहाँ से चुन करके ले गए, थोड़े दिन जाग बोए थे मद हो गया जा करके मरा, ब्राह्मण को बोला सर्प के पता है ना सची की, जो भी पोस्ट पोजीशन पाते हैं उनके बुद्धि खराब हो जाते, भ्रष्ट हो जाते, तो
भरत जी बेचारे अच्छे खासे थे, लेकिन पुष्ट पोजिशन के चक्कर में ऐसा हो गया, मती मारे गया, कई ऐसे कारण दे करके, युक्ति दे करके, और मैं ये कर डालूंगा कर करके बहुत बड़ी भली बुरी कही। भगवान राम सुन सुन करके बोले, लक्ष्मण आप क्यों भरत जी को ऐसे कहते हैं? भरत जी को आप जो भी कहो नहीं जानो, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ भरत को। भरत के मन में राजमद हो ही नहीं सकता। मैं मेरे भाई को जानता हूँ, तू तो मेरे साथ में रहा, तू उनको इतना ज़्यादा नहीं जानता, मैं जानता हूँ। उनके अंदर राजमद हो ही नहीं सकता। बोले, राजमद किसको होता है? जो साधु संग नहीं किया है, असत संग किया है, विषय वासना, उनको राजमद भटक सकता है। बोले, क्या खीर सागर को दो बूंद छाछ गिर जाने से कि वो खट्टा फट जाएगा? जैसे दूध फट जाता ना, खीर सागर में दो चार बूंद छाछ गिर जाए, एक आध ग्लास गिर जाए तो फट जाएगा क्या? बोले, खीर सागर से भी बड़ा मेरा भरत है, उसके अंदर ये सब दोष नहीं आ सकता, आ नहीं सकता। भगवान राम बोलते हैं मैं जानता हूँ भरत को, उसको मन में नहीं हो सकता। बोले, अगर अंधकार ने बिल्कुल मध्यान्ह सूर्य को, कोई रात आकर निकल जाए, रात सूर्य को पूछो रात के बारे में, वर्णन सूर्य बता सकता? सूर्य जा रहा है, रात कैसे हो सकता है? हाउ कैन वी नाइट फॉर सन? लेकिन अगर ऐसे हो, रात आकर के मध्यान्ह सूर्य को निकल भी जाए, जो असंभव है, अगर ऐसे हो कि पृथ्वी अपने गुण क्षमा को छोड़ दे, अगर ऐसे हो कि आकाश बादल में समा जाए, अगर ऐसे हो कि बोलते हैं कि जो समुद्र को पी गए थे, उनका नाम है अगस्त्य ऋषि, समुद्र को पी गए थे एक गिलास पानी समझ करके, पूरे समुद्र पी गए और पेट में धर लिए, जो समुद्र को पीने वाले अगस्त्य, एक गाय के खुर के जो पानी था 50 ग्राम, इनसे डूब गए, बचा बोले संभव कैसे होते? समुद्र को पीने वाले गोखुर पानी में कैसे डूब सकते हैं? बोले, अगर फिर भी अगर ऐसे भी हो जाए कि मच्छर ने गुण गुण आवाज़ किया, उनके आवाज़ की हवा से मेरु पर्वत उड़ गया मच्छर को, बोला शायद ये भी हो जाए, लेकिन मेरे भरत के मन में ऐसे कपटता हो नहीं सकता। ये भगवान अपने सिमुख से कहते हैं। भगवान जब भक्त का बड़ाई करते हैं, वो करते हैं, वो जानते हैं भक्त किस बड़ाई। लक्ष्मण, तू नहीं जानता, तू राज्य की बात कह रहा है। अगर भरत को तुम राज्य ऐसे दे कर आया था खुशी खुशी से, मुझे अगर कई कई माँ पहले से बताता, हूँ पहले से दे देता उसको, राजा बनने के बाद भी दे देता, ऐसे कौन से बड़ी मुझे पड़ी है? मुझे कोई राज्य की आशा नहीं, मैं तो आपके कल्याण चाहता हूँ। लक्ष्मण, आपको राज्य चाहिए क्या? आप इतना गुस्सा करते हो। मैं अगर भरत को बोलूँगा कि राज दे, वो दे देगा, मेरा पूर्ण विश्वास है वो दे देगा राज्य, आपको राजा बनना है। लेकिन को भगवान राम की भरत के प्रति ऐसे अटूट प्रेम, इतने आस्था, इससे विश्वासजनक वाणी, और लक्ष्मण तू राजा बनना चाहते, राज्य लेना चाहते, जाओ ले लो, लक्ष्मण के बारे में ऐसा भला बुरा मत कहो, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप लक्ष्मण के पति को ही इस प्रकार बात ना, सॉरी भरत को ऐसे बात कहोगे, अगर और सुन ले, उनके सामने अगर ऐसा कुछ आप कहोगे तो उनको क्या कष्ट होगा, उससे ज़्यादा 100 गुना कष्ट मुझे होगा। तो कैसे आप मेरे सामने भरत के बारे में इसे कहने के लिए? तो लक्ष्मण बिल्कुल सहम गए, लज्जा के मारे गल गए, मेल्ट हो गए लज्जा के मारे। बोले, मैं किसके लिए ये सब कर रहा था? इतने घुसा तान तोड़ सब कुछ किया, वो तो बिल्कुल अलग ही है, मेरा बेकार हो गया, इतने सारे तड़पन, इतने गुस्सा दिखाना, ये सब करना, बिल्कुल लक्ष्मण जी डाउन, इतने डायरेक्शन चेंज हो गया उनका भगवान राम की इस प्रकार की भरत प्रेम को देख करके। भगवान के हृदय में भरत प्रति इतने विश्वास, इतने प्रेम था, और लक्ष्मण जी संकुचित लज्जा में और बिल्कुल खो गए, अब कुछ कहने के लायक नहीं पड़े थे।
बिल्कुल नीचे उतर आए, बिल्कुल जैसे बहुत बड़ी जघन्य अपराध कर डाले, आकर हाथ जोड़ के मुनि जी कर खड़े। इस प्रकार से भगवान राम तो क्या तक बोले, मैं आपको सुगंध लेता हूँ, पिताजी के सुगंध लेता हूँ, भरत जी के प्रति ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। उसको सुन सुन करके लक्ष्मण जी बिल्कुल बोल्ड आउट हो गए। इस प्रकार के राम लक्ष्मण की जो चल रहा था चर्चा, अब धूल उड़ने लगा, देखो नजदीक आ गए सब। अब क्योंकि अभी लक्ष्मण का मन में जो भरत के प्रति भाव था सब बदल चुका था, अब वहां से जब और नजदीक आ चुके थे, वहां से चढ़ करके निषाद राजा ने देख लिया, बोले मैं देख पा रहा हूं पर्ण कुटीर, और वही कुटीर है ये जो साल प्याल हम जिस बड़े 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 सुंदर सुंदर फल वाले फूल वाले वृक्ष हैं, बहुत प्रकार से प्रोटेक्टेड एरिया, उसके बीच में बड़े सुंदर बना हुआ ये है, तो ही मुझे लगता है हैं, अब उनके पास चलते हैं। और भरत शत्रुघ्न और निषाद राजा को इतने ही चल पड़े, बाकी बोले आप रहो, आप दुर्गम पथ में जा नहीं सकते। जाते समय भरत जी देखते हैं कि रास्ते पर, क्योंकि कई बार पानी लाने के लिए जाना पड़ेगा, नीचे लाने जाना पड़ेगा, तो रास्ता भूल जाए, रास्ता भूलना तो स्वाभाविक है, हम आते हैं तीन बार फिर रास्ता भूल जाते हैं, हाई रोड में भी जंगल के रास्ता, तो इसलिए लक्ष्मण ने कई जगह पर लैंडमार्क लगाए, लैंडमार्क समझते ना, कि कोई पेड़ में कोई टांग दिए, कलरफुल तो था नहीं कि लगा दें, कोई से एक डाल मोड़ दिए, मैंने चिन्ह लगा दिए, वो चिन्ह मिटेगा नहीं, वो पता लगाएंगे अच्छा ये वाला तो वही रास्ता, ये रास्ता, दोनों तरफ पेड़ में बड़े बड़े सब इसी प्रकार के साइन किया हुआ है, कहीं तोड़ करके कोई टांगा हुआ है, कोई विशेष विशेष चिन्ह लगा, उसको देख कर भरत तो महाज्ञान विद्वान महाज्ञानी समझ गए, ये केवल ये रास्ता पहचान करने के लिए इस पर कुछ साइन बनाया गया, ये लक्ष्मण ने जरूर किए होंगे, क्योंकि भैया भाभी की सेवा के लिए बार बार जाना पड़ता होगा, फल लाना जल लाने के लिए रास्ता भूल जाते होंगे, इसलिए रास्ता के लिए बिल्कुल साइन बताएगा, लैंडमार्क लगाया हुआ सर। आगे देखे पर्ण कुटीर गोबर से लिपा हुआ है, और उसके सामने छोटे छोटे काट के लकड़ी समिधा बन करके कई रखा हुआ है, कंडा रखा हुआ है क्योंकि आग जला करते होंगे, और बिल्कुल कंदमूल को सेक करके इसको देखा है, श्याम जी खा रहे थे तो फल को आग में पका करके सेक करके खाते थे, बोले बोलते कितना टेस्ट है फल को अगर सेक देने से कितना टेस्ट होता है, हम लोग तो फ्राई के बिना खाते ही नहीं, लेकिन भगवान के पास ना कढ़ाई था ना तेल था ना बॉयल करने के लिए पतीला था, वो सेकते थे अंगेठी और लकड़ी आग में सेकते थे, सेक करके भगवान कहते हैं कि सो स्वादिष्ट, क्या टेस्ट है सेका हुआ जो फल जलाया हुआ आग में, आप लोग जलाया हुआ नहीं खाते हैं, गाँव में जो जानते हैं गाँव आजकल चोखा बनाते हैं बैगन का आलू का जो खाए होंगे, आग में जलाए हुआ है ना, नहीं अंगठी के और आग में लकड़ी के आग में जलाए हुआ उसको चोखा बना खाओ, क्या टेस्टी है उसको, कुछ अलग है स्वाद, तो भगवान राम वही तो खाते थे, उनका बस था नहीं पतला जला कर, वो कहते हैं कि धन्य है इतने स्वादिष्ट है ये फल को कंद को अगर सेका जाए जला जाए ठीक से, और सीता ने आपने कितनी सिद्धत से कितने आज से आप आग में पकाया उसको, मतलब कोई बर्तन नहीं कि चिमटा नहीं कि स्पून नहीं, आग में ऐसे ऐसे रख करके सेक दिया गया और उसके स्वाद में कितने गुना बढ़ोती हो जाता है, कच्चा तो पशु पक्षी खा पाते हैं, हम लोग को सेक करके इसे कर खाना चाहिए, हम लोग को पाक योग्य होता है, तो ये सब वो देख पाते थे, ये सब ये लकड़ी रखा हुआ है, ये सब रखा हुआ है, मतलब फल सेका जा रहा है, तो एक एक स्टेप में कन्फर्मेशन मिल रहा है कि यही श्री राम यही रहते हैं, श्री राम यही रहते हैं, ऐसे मन में कन्विक्शन आ गया भरत जी और शत्रुघ्न जी को और निषाद जी को, निषाद राज को, तो उनके प्रेम कितने गुना बढ़ गया उसको वर्णन नहीं किया जा सकता, इतने अधिक बढ़ गया प्रेम,
उस प्रेम में गड़बड़ है, लेकिन जब चल रहे थे भरत जी, उनके मन में विचार आता था, उनको अगर पता चल जाएगा इसे देख लेंगे मैं आ रहा हूँ, मेरे माँ ने जो कपट की, उनके साथ जो व्यवहार की, क्या मुझे देख कर कि मुझे दर्शन देंगे ना, उठकर चले जाएंगे। मैं पहुँचते पहुँचते वो वहाँ से उठकर और कहीं ना चला जाए, क्योंकि शायद मुझे चाहेंगे नहीं दर्शन देना, मेरे से बात करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनका साथ जैसे व्यवहार किया गया, राज्य से मनमान जैसे किया, मुझसे बात क्या करेंगे, उठकर चले तो नहीं जाएंगे, मुझे तो कुछ विरोध नहीं करेंगे। इस प्रकार सोच करके बोले मैं कैसे जाऊं, मैं इतने हतभागा पापी दोषी नीच, मेरे कारण उनको ऐसे करना पड़ा और मैं जाऊं, ऐसे करके उनका पैर रुक जाता था। फिर रघुनाथ के स्वभाव को याद करते थे, बोले रघुनाथ भाई मेरे ऐसे गुण संपन्न है, ना 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 ना, वो कभी मुझे नहीं करेंगे, उनके पास दुर्गुण सुगुण कुछ नहीं है, तो सबका अपना है। फिर चल पड़ते थे। फिर जब नजर आता था मंडप को, बोले देखो, फिर खड़े होकर रोते थे, बोले जिनको राजभवन में तुड़ी तड़प सज्जा पर बैठाया जाता था, हजारों पोशाक होता था जिनके पास, और अति मूल्यवान चंदन की पेस्ट से जिनके शरीर को अंकित किया, अंगरा किया जाता था, किसके द्वारा सेवा होता था, किस प्रकार पानी में नहाते थे, आज ऐसे कृष्ण मृग चर्म धारण करके बैठे हैं, मल धारण किए हैं, कोई तेल साबुन लगाए नहीं, शरीर मल बैठा हुआ है, और खाने के लिए जगह नहीं, पात्र नहीं, कपड़ा नहीं, इसको देख कर शोक करके बहुत कहाँ राज दरबार में लालन पालन, और इस प्रकार के देख करके शोक में अभिभूत होते थे और अपने को कारण मानते थे, मैं कैसे जाऊँ, क्या मुझे सच में मिलेंगे नहीं मिलेंगे, नहीं, फिर भी रघुनाथ परम उदार है, परम दयालु है, इस बात पर फिर चलते थे। इस प्रकार फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, बैक फ्रंट ऐसे चलता था, आने जाने चल करके जाते थे। अब जाते जाते जा करके जब पहुँच ही गए, कुछ ही दूर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ा, गोबर से लिपा हुआ है, मंडप ताना हुआ है, सब कुछ है, और सीता जी अंदर बैठी है, और एक चबूतरा के पास में भगवान श्री राघवेंद्र सीता जी के पास में ही बैठे हुए हैं, थोड़ी दूर में कृष्ण मग चर्म धारण किए हुए हैं, और क्योंकि लक्ष्मण जी बता दिए थे कोई कारण हो सकता तो धनुष धारण किए हैं, कोदंड धारण किए हैं, और उसे धारण करके बैठे हुए हैं, उनके ऊपर नजर पड़ गया। धर्मशील सत्य प्रतिज्ञा अपने भाई को इस प्रकार से देख करके हा आर्य कह करके वही मूर्छित होकर गिर पड़े। आप ऐसे बैठे हैं, तो फिर लगा बाकी दो साइड में थे उनको उठाए, उठा करके फिर उठा कर चले, बोले यहाँ पड़ जाते दर्शन कैसे करोगे, चलो आगे ले करके जाते हैं। ऐसे बारंबार रोते हुए बिलखते हुए और प्रेम को कई गुना बढ़ाते हुए, अपने को दोषी मानते हुए, इसी प्रकार कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में इस प्रकार अनेक भाव से भावित हो करके भरत जी उन दोनों के साथ ऐसे गिरते हुए उठते हुए शत्रुघ्न और कुहक ने उनको लेकर गए, अंततः पर्ण कुटीर के पास पहुँचे। भगवान राम की नज़र भी पड़ा उनके ऊपर, वो भी उनको देख पाए, चिल्ला करके धड़ाम करके प्रणाम किए, गिरे उनसे। लक्ष्मण जी भी थे, लक्ष्मण जी कुछ बात कर रहे थे राम से, जिसे आप बैठे में आपको मुँह किया हूँ, वो पीछे से प्रणाम कर रहे हैं आकर, राम देख रहे हैं उनको, किसको, लक्ष्मण को देख रहे हैं, लक्ष्मण राम को देख रहे हैं, और भरत जी दोनों को पीछे प्रणाम कर रहे हैं, और उनके पीछे शत्रुघ्न और कुहक ने प्रणाम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी को लगा कि भैया भरत आकर मेरे पीछे से प्रणाम कर रहे हैं, उनको समझ गया, क्योंकि वो जो गिरे साउंड किए और जिस प्रकार रो बिलख रहे हैं लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी मुंह मोड़ कर उनको देख नहीं रहे, क्यों, क्योंकि
सेवक निष्ठ है, राम जी कुछ बता रहे हैं कुछ कार्य उनको, उस समय अगर मुंह फेर दें बोलते हैं कि मेरे धर्म नष्ट हो, नहीं मेरे सेवा बिगड़ जाएगा, वो बोल रहे हैं आई हैव टू हियर इट अटेंटिवली, मेरे प्रभु मुझे क्या आज्ञा दे रहे हैं, हाथ जोड़ के सुन रहे हैं। भरत उसी समय जाकर प्रणाम कर रहे हैं तो चाहते उनके हृदय तो जा चुका है भाई भरत को देखूं, उनको मिलूं, लेकिन क्योंकि राम कुछ बोल रहे हैं इसलिए मुंह मुड़ नहीं पा रहे हैं। शरीर के हिसाब से, मुंह के हिसाब से राम की ओर मुंह हाथ जोड़ के देख रहे हैं, लेकिन मन वहाँ जा रहा, व्याख में जा चुका है, लेकिन इसे दिखते हुए सुनते हुए उनके लिए संभला नहीं गया, बोले प्रभु लगता है कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। राम को तो पता ही था, देख रही थे दूर से भरत ही आ रहा था, अब आकर प्रणाम कर रहा है, सुनते ही भगवान राम धड़ास करके उठे, उठे तो उनके धनुष हाथ से गिर गया, और जो था सब वस्त्र वस्त्र कहाँ कैसे गिरा, ऐसे व्यस्त हो करके सबको फेंक फाक करके दौड़ करके आए, दंड की तरह गिरा हुआ भरत जी को उठाए, छाती में लगाए। तो इस प्रकार लंबे समय तक दोनों मिले और रोते रहे, दोनों मिले, बोलते हैं कि दोनों का मिलन ऐसा था, क्या मन में सोच रहे थे, क्या हो रहा था, बोले कोई कवि तो उसको वर्णन नहीं कर सकता, कवि क्या, बोले ब्रह्मा और शिव भी प्रकट नहीं, वहाँ जा नहीं सकते, दूर से भागे, बोले ना इन दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता, इन दोनों के बीच में किसी का विचार जा नहीं सकता, किसी का मन प्रवेश नहीं कर सकता, बाकियों को छोड़ो साक्षात ब्रह्मा जी शंकर जी भी वापस न, बोले ना इनके बीच में हम नहीं जा सकते। ऐसे अद्भुत मिलन इन दोनों का होता है। फिर राम शत्रुघ्न जी को मिलते हैं, निषाद राज गुहक को मिलते हैं, मिल करके कुछ वार्ताव करें, कुछ पूछे और दो करके मिले, इतने में ही निषाद राज ने बोले, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि उनका बोली बंद हो चुका था, भरत जी के नयनम गर्दस्र धारया बदनम गदगदर, थ्रोट चोक हो चुका था, इज नॉट एबल टू स्पीक, लेकिन दूसरी जगह में वर्णन किया है कि राम ने उनको खींच करके अपने गोद में बैठा लिए, अपने गोद में ले लिए, जिस छोटे बालक को माता पिता ले लेते हैं इसे गोद में बैठा लिए, गोद में बैठा करके उनको सलाहने लगे, प्रेम लाड़ प्यार करने लगे, फिर बोलने लगे कब आया तूने, कैसे हैं परिवार, से कुशल है कि नहीं, इतना देर क्यों आया, रास्ते में क्या खाया, जिसे बड़े दिन के बाद प्रेम से पूछने लगे। मुझे लगता है कि अयोध्या कांड का सबसे लंबा सर्ग वही है, भगवान ने गोद में बैठा करके भरत जी को वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का सबसे लंबा सर्ग वही है, सकड़ों श्लोक के द्वारा भगवान राम ने उनको नीति शिक्षा देते हैं, पूछते हैं कभी ऐसा तो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा तो नहीं हुआ, तू तो नहीं, पिताजी आना चाहिए था कि पिताजी सिधर गए, क्या क्या हुआ, आप कैसे आए, आए तो सेना क्यों लेकर के आए, मैं देखा और कौन, बस पूछते गए पूछते गए पूछते गए और सुनते गए, कुछ बोल नहीं पा रहे, लेकिन जो भी हो अन्यत्र फिर वर्णन होता है कि उन दोनों कुछ बोल नहीं पा रहे थे। निषाद राज गुहक ने बोले कि केवल ये नहीं प्रभु, पूरे अयोध्या के समाज आया, गुरु वशिष्ठ गुरु माता अरुंधति भी आए हैं, ब्राह्मण समाज आए हैं, त्रिकालदर्शी वामदेव जावाली वो भी आए हैं, राजमाताओं ने भी आए हैं। इस बात को सुन करके रामचंद्र जी उतावली होने लगे, शत्रुघ्न प्रणाम करते, शत्रुघ्न आप सीता जी के, सीता जी आप देखभाल कर रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, गुरु से मिलकर दौड़ के चले भरत जी के साथ में लेकर के, साथ लेकर के दौड़ के, बोले कहाँ है, बोले वो ये खड़ा ऊपर नहीं, आप हम तो चढ़ के आ गए,
दौड़ कर गए उनसे मिलने के लिए। तो इतने में फिर सीता जी के पास में भरत और शत्रुघ्न जाकर उनके चरण में गिरते हैं। सीता जी उनके सर के ऊपर अपने हस्तकमल धारण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और फिर सब मिलकर राम जी आगे दौड़ कर जाते हैं। फिर लक्ष्मण से भी मिलते हैं, फिर सभी उनके पीछे पीछे नीचे की ओर चलते हैं, जहाँ पर समाज अपेक्षा कर रहा था, जहाँ गुरुजन लोग थे, ब्राह्मणगण थे, ऋषिगण थे, राजमाताओं थे, वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँच करके अब सबके साथ मिलन होता है एक एक करके। सबसे पहले गुरु जी के चरण में प्रणाम किए। अब यद्यपि राम देख लिए थे राजमाताओं को, उनके ड्रेस और उनके मांग में वो नहीं था पॉइंट, उसको देख लिए थे, सीता जी भी देख ली थी और चकित थकित हो चुके थे, बोले ये क्या है। जब वशिष्ठ जी के चरण में वंदना करके पूछे थे, वशिष्ठ जी उठाए तो वशिष्ठ जी बोल दिए कि अब महाराज के स्वर्ग प्राप्ति हो चुका है, अब राम की विफलता। बहुत रोए, वही शोक सभा हुआ, बहुत रोए, पूरे समाज रोने लगा। राम के रोना को देख करके सब रोने लगे, बोले भरत शत्रुघ्न तो जलांजलि दे चुके हैं, कर्म कर चुके हैं, आप दोनों नहीं किए हैं। तो भगवान राम, लक्ष्मण और सीता निर्जल व्रत रखे, बोले कि थोड़ा फल तो ना, नहीं तो अगर कहीं भी इमीडिएट बाद में लेट में खबर सुने ये भगवान की आचरण है, हमको तुरंत फास्टिंग तो करना चाहिए। उस दिन पूरा फास्टिंग किए, दूसरे दिन फिर मंदाकिनी स्नान करके जान जड़ी जो विधि के अनुसार जो करना है सब किए। अब सबसे पहले राम मिलते हैं कैकेयी माता से। कैकेयी माता देखो संकुचित थी बिल्कुल, उनका तो स्थिति अलग थी, लेकिन भगवान राम राम ही है। उनके दर्शन से, उनके बातों से शोक को हरण करना उनके ऐसे काम। तो कैकेयी की महाशोक संताप को उनके सामने आकर के उनके चरण स्पर्श करके हर लिए और दो बातें कह करके उन बिल्कुल शांत सांत्वना दे दी। उसके बाद सुमित्रा, उसके बाद में कौशल्या से मिलते हैं। देखिए आपने मार्ग पर लास्ट जाते हैं। फिर जितने जितने भी आए थे सभी से बारी बारी करके सब मिले, शोक सभा हुआ, गांधी साधा सभा हुआ। अब शाम हो रहा था, उनके अकोमोडेशन और प्रसाद की व्यवस्था करना ही पड़ेगा। अब प्रसाद क्या करे, वो तो खुद ही फल ला करके आग जलाकर सेक कर खाते हैं। भगवत इच्छा से, क्योंकि लाखों की तैनात में आए लोग, यहाँ गेस्ट हाउस तो है ही नहीं और वो किचन भी है ही नहीं कि 9 बजे प्रसाद मिलेगा, ऐसा है ही नहीं, क्या करे। वो चल कर के आए, सब थके मांदे भूखे तो सभी हैं। भगवान राम की इच्छा से, इसको बोलते राम राज्य। भगवान जहाँ राम है तो जितने कोल भील किरात हूण जो जंगली आदिवासी लोग थे, उन्होंने अपने आप, हरेक आदिवासी ने कुछ ना कुछ आइटम लेकर के आया था। कोई बरीज लेकर आया था, कोई मधु पत्तल के डोने में फ्रेश बिल्कुल प्योर जंगली मधु लेकर आया था देसी, और क्या क्या प्रकार के को केसर बन के वनस्पति द्रव्य अनेक प्रकार का होता, हम नहीं जानते, हम तो मार्केट से मल से खरीद खाते हैं। ऐसे हजारों प्रकार के अति स्वादिष्ट वनस्पति द्रव्य वो लोग जो रहते हैं वो जानते सब, ले लेकर वैरायटी कलरफुल आइटम्स लेकर के लाखों लोगों के लिए सब लेकर के आए थे और उनको दे रहे थे। वो तो पहली बार सिटी के लोगों के लिए थे, फर्स्ट टाइम वो सो नाइस, इतने बड़े बड़े जामुन इतने बड़े बड़े भी होता है, हम तो यही साइज खाते हैं। अरे भाई नहीं, ये ओरिजिनल ऑर्गेनिक जामुन है भाई, एक मुंह में डालो तो सही, अरे इतना टेस्टी, 500 रुपया का नोट निकाल देते हो, सो नाइस। इतने तो दिल्ली में तो उससे ज़्यादा देना पड़ता था, लेकिन वो कोल भील बोलते हैं ये क्या करते हैं।
ये हमको नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, फ्री ना फ्री, ये प्रेम की संतक है, हम आपसे कुछ दाम नहीं लेने के लिए नहीं आते, बेचने के लिए नहीं आए हम लोग, हम तो देने के लिए आए। नहीं नहीं आप इतनी दे रहे हैं आप, नहीं नहीं तो कोल भील कहते हैं, बोलते हैं कि आपको पता नहीं हमारे बारे में, हमारा जीवन जन्म से अभी तक केवल दुष्कर्म में पाप कर्म में बीतता है, पशु पक्षी का चोरी करके छीन झपट करके बीतते हैं। बोले आप इतने बड़े बड़े लोग सब आए जंगल में, हमका नज़र तो तभी से पड़ा है, अभी तक आप अपने गामछा प्लेट पर्स तक चुरा कर नहीं लिए, यही समझे बड़ी बात है, नहीं तो कुछ भी नहीं होता आपके पास, सब उठा लिए होते, मतलब हमारा काम ही यही होता। आप पर्स क्या दिखा रहे, पर्स आपके पास है, हम कृपा किए नहीं लिए तो हम पहले से ले लिए होते, नोट क्या दिखा रहे हमको, हमारा काम यही है, हम ले लिए होते उसको, आपको पता नहीं चलता, कुछ भी आपके पास नहीं होता, गामछा तक हटा लिया होता। लेकिन बोले फिर हम देते, बोले नहीं, जब से श्री रघुनाथ आए हैं, जब से हम उनके दर्शन किए हैं, तब से हमारा मन बदल चुका है। यद्यपि हम जीवन से अब तक यही काम करते थे, इसी कारण से हमारा कमर में एक अच्छे कपड़ा भी नहीं है और पेट में अच्छा से पेट भरे रोटी भी नहीं है, क्योंकि हम ऐसे पाप का मल, लेकिन जब से उनके श्री चरण को दर्शन किए, अभी मन राज्य राम राज्य हो चुका है। तो उनमें भी जो भी वन्य आदिवासी जंगली लोग है, उनके हृदय में प्रेम प्रकाश हो चुका है, इसके कारण से बोले आप राम के संबंधी संपर्क, अयोध्या वासी है, हम उसे कुछ नहीं लेंगे, उसके प्रेम के उनको आपको अपमानित मत कीजिए, उसको लीजिए और हमको दाम देते थे, ये तो हमारा कृपा से आपके पास है, नहीं तो हम पहले से ले लिए होते, ऐसे आप मत दिखाइए, हम फिर तो नहीं उठा लेंगे फिर क्योंकि हम बहुत दबा करके बोले राम के, राम के कारण हम नहीं ले रहे हैं, नहीं तो हमारा तो यही प्रैक्टिस है, ले लिए होते, लेकिन हम आए हैं क्योंकि राम आपको कैसे क्या व्यवस्था करेंगे आपके खान पान का, तो इसलिए हम आपको बताते हैं, यहाँ ऐसे आप रुक सकते हैं, यहाँ रानी लोग को यहीं रुक सकते हैं, यहाँ ऐसे रुक सकते हैं, यहाँ खान सारे व्यवस्था हो गया परफेक्टली, जो कैपिटल सिटी में नहीं हो सकता, अटैच बाथरूम गेस्ट हाउस में नहीं हो सकता, ऐसे व्यवस्था कर दिया गया सभी के लिए। अब आगे क्या होगा कल सुने, जय श्री राम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राम। तो महाराज की बड़ी विशेष कृपाएं होने के ऊपर, चाहे उद्धव प्रसंग हो, चाहे कृष्ण लीला हो, चाहे अब राम कथा हो, महाराज जी के मुख से जो भी कथा होती है सबके सामने कोई दृश्य चल रहा हो, इस दृश्य ये कथा का सत्र कल भी जारी रहेगा, तो सब आप आमंत्रित हैं। तीन बार हरे कृष्ण महाप्रभु के महाराज का धन्यवाद करेंगे। हरे